नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर है। यहां पर मेरे पास कुछ न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें हेल्थ मिनिस्टर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। 75 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हेल्थ मिनिस्टर अपग्रेड करने वाले हैं मेडिकल कॉलेज में। इसका यह मतलब रहता है कि सीट कितनी इंक्रीज होगी, ये पूरे डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। आर्टिकल में क्या लिखा गया है, हेल्थ मिनिस्टर जो है वो अपग्रेड करने वाले हैं 75 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उसके साथ अगर आप मेडिकल कॉलेज अटैच कर रहे हों तो जल्द से जल्द MCI का रिकॉग्निशन जो है उस कॉलेज को मिल जाता है, परमिशन मिल जाता है सीट इंक्रीज करने के लिए। तो ये जो 75 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उन्हें अपग्रेड किया जाएगा मेडिकल कॉलेज में। अब इसमें कितनी सीट्स इंक्रीज होगी वह यहाँ पर दी गई है। 10,000 MBBS सीट इंक्रीज़ हो जाएगी 75 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन के बाद। अब ऑलरेडी मैंने आपको पहले वीडियो में शेयर किया था कि 10,000 जितने सीट इंक्रीज़ हो रहे हैं इस साल, क्योंकि 10% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो रहा है। और ये जो 10,000 की बात इस वीडियो में हम कर रहे हैं वह इससे अलग है, यानी टोटल 20,000 सीट्स इंक्रीज़ हो जाएगी अगले 1-2 साल में। हम देख लेते हैं कि आर्टिकल में कौन सी डिटेल दी गई हुई है। द हेल्थ मिनिस्टर हैज़ प्रपोज टू कन्वर्ट 75 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इनटू मेडिकल कॉलेज इन द थर्ड फेज ऑफ स्कीम विच एम्स एट बूस्टिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर द हेल्थ सेक्टर। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट रेफरल हॉस्पिटल है हर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसको अपग्रेड करने के लिए एक स्कीम जो है इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ एक मेडिकल कॉलेज अटैच हो जाएगा जिससे स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा रहेगा और पेशेंट को भी फ़ायदा रहेगा। टोटल सीट जैसे कि मैंने आपको बताया है 10,000 इंक्रीज़ हो जाएगी, और यह अच्छी खबर है मुझे आपके साथ जो है कि शेयर करनी थी। तो वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।